अक्सर लोग कहते हैं कि भगवान की इतनी पूजा की फिर भी इतने कष्ट मिले, किस्मत ही खराब है। अगर आप पूजा करें तो भगवान को क्या फर्क पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं रणधीर और आप देख रहे हैं अध्यात्म इंडिया। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, अभी कर लीजिए ताकि इस तरह की खास लेटेस्ट वीडियो आपको देखने और सुनने को मिलती रहे। अक्सर लोग यह चर्चा करते हैं, यह कहते हैं कि भगवान की मैंने इतनी पूजा की फिर भी हमें इतने कष्ट क्यों मिले हैं, कि किस्मत ही खराब है। अगर आप पूजा करें तो भगवान को क्या फर्क पड़ेगा। भगवान हमारी पूजा का मोहताज नहीं है, यह समझना जरूरी है। हम पूजा क्यों करते हैं, पूजा करने का ध्येय होता है आत्मशुद्धि, ताकि हम अपने कर्तव्य का निर्वाह सही तरह कर सके। पूजा आपके मन को शांति दे ताकि आप अच्छे बुरे का निर्णय कर सके। जब मन शांत होगा तब आप शांत चित्त होकर मन लगाकर अपना कर्म पूरा कर सकेंगे। इस यथार्थ को न जानकर जो सिर्फ पूजा के कर्म कांड रूपी स्थूल रिवाजों को ज़्यादा महत्ता देते हैं वही भय में जीते हैं। जैसे हाय, आज शुक्रवार को मैंने खट्टा खा लिया, अब संतोषी माता अनिष्ट करेगी। गुरुवार को केला खा लिया, अब बृहस्पति भगवान नाश करेंगे। शनि महाराज को तेल नहीं चढ़ाया, अब वो सोने का हार निकल जाएंगे। भैरू बाबा को शराब नहीं चढ़ाई, अब बीमारी लग जाएगी। यह सिर्फ भ्रम की स्थिति है जो कई तथा कथित ठेकेदारों ने फैलाई है। पूजा का सही अर्थ है जिसे करने से आप में पूर्णता का अनुभव होता है। पूजा द्वारा आप ईश्वर को कृतज्ञता प्रकट करते हैं। जैसे आपने हमें रोशनी देने के लिए सूरज की रोशनी पृथ्वी के चारों ओर घुमा कर दी, वैसे मैं आरती उतारता हूँ। जैसे मेघ की वर्षा आपने दी, मैं आपको जल चढ़ाता हूँ। जैसे पेड़ पौधों से मेरे ऊपर कितने फूल गिराए, मैं पुष्प अर्पण करना चाहता हूँ। आपने भोजन दिया, मैं प्रसाद चढ़ाता हूँ। इस भाव की महत्ता है, न कि अर्पित वस्तु की। ईश्वर को यह सब की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें उज्जवल मन के लिए पूजा की दरकार है। यह समझना बहुत जरूरी है। अगर आप माने कि ईश्वर आप में भी वास करता है तो शिवोहम ही तो सत्य है। इसलिए हम शिव जैसे बने इसलिए शिव चालीसा पढ़ते हैं, राम जैसे बने इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। इसका मतलब अगर आप ईश्वर के गुणगान करते हैं तो यह स्वयं की ही आराधना है। अगर हम राणा प्रताप की कथा पढ़ते हैं तो उनके गुणों को ग्रहण करना ही उद्देश्य है। शिव जी अक्सर योग मुद्रा में रहते हैं, हमें भी थोड़ी देर योग करना जरूरी है। और इस तरह न सिर्फ हम अपने शरीर को अच्छा रखेंगे बल्कि कृतज्ञ भाव से शिव या महावीर स्वामी को मानेंगे। पूजा के इस रहस्य को जान जाए तो कभी ईश्वर से शिकायत नहीं रहेगी और अपनी कामना या संकल्प को ईश्वर को समर्पित कर काम करें, तब न फल मिलने की धीरता रहेगी और न मिलने पर बेचैनी का प्रश्न भी। मेरा विश्वास है इस रहस्य को जान लेने के बाद ईश्वर के प्रति यह दुराग्रह समाप्त हो जाएगा कि मैंने इतनी पूजा की फिर भी मुझे कष्ट क्यों मिले।